सो आज मिलने वाला है ये वाला गिफ्ट सबको। सो गाइस जिसे जिसे ये गिफ्ट चाहिए इस वीडियो को प्रॉपरली देख लेना, आपको पता लग जाएगा ये जो गिफ्ट आप कैसे ले सकते हो। तो आम नीतू गोलिया और आज आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल नीतू गोलिया अकेडमी में। आज की वीडियो का टॉपिक है एकदम लेटेस्ट टॉपिक, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी नहीं रिवील करूँगी, वीडियो देख लो आपको तभी समझ आ जाएगा कि यार ये चीज़ तो न्यू है, एक्चुअल में न्यू है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक अभी ही कर दो क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ आपको हमारी वीडियो आज बहुत पसंद आने वाली है और इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स जानने को मिलने वाली है, कॉम्बिनेशन सीखने वाले हो बहुत सारे हमारी इस वीडियो में और इस नेल आर्ट में। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और आप फर्स्ट व्यूवर हैं, न्यू, आप हमारे नेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं आगे भी और भी अच्छे अच्छे नए नए ट्यूटोरियल, तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम भी जो है नई नई वीडियो लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ ट्यूटोरियल बनाते रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया। सो गाइस जैसे कि आप हमारे क्लाइंट के नेल्स देख सकते हैं, नेल काफ़ी अच्छे और हेल्दी नेल्स हैं जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि नेल पेंट लगी हुई है और नाचो नेल जो ग्रो हो रखे हैं हमने इन्हें जो है कट कर देना है और एस्ट्रोन फ्री लेंट से क्लीन कर लेना है, नेल पेंट को बिल्कुल रिमूव कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पर ना आपने कभी भी थिनर या फिर एसीटोन का यूज़ नहीं करना है। आप जब किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेते हो ना नेल पॉलिश रिमूवर को, तो वो एसीटोन फ्री ही होते हैं, तो आपने वही यूज़ करना है। आप देख सकते हो मैं नेल कटर की हेल्प से एक्स्ट्रा एरिया को जो है कट कर रही हूँ और जो ग्रोथ वाला एरिया है उसको हमने कट कर लेना है बहुत केयरफुली, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना है, ध्यान रखना है कहीं पता लगे कि ब्लड ही आ गया है क्लाइंट के हाथ में। बहुत केयरफुली आपने कट करना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है गाइज, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद एमरी बोर्ड को हमने स्माइल लाइन एरिया को नीट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि स्माइल लाइन एरिया पर ना हमारी ना टिप लगनी होती है तो वहाँ पर लॉक होना होता है, तो इसलिए हमें स्माइल लाइन को नीट करना बहुत ज़रूरी है और क्यूटिकल को इस तरीके से हमने पुश कर लेना है। ये 3 से 4 स्टेप गाइज नेल प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है एक्सटेंशन का। तो सबसे पहले हमने टिप सेलेक्ट कर लेनी है, तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपरली आपने टिप को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है साइड वॉल प्रॉपरली कवरअप हो रही हो, ऐसा ना हो कि एक जगह से बच रही हो एक तरफ से कवरअप हो रही हो। अब पूरे नेल को अच्छे से हमने ब्लॉब ऑफ कर लेना है हमारे सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर की हेल्प से, डस्ट को क्लीन कर लेना है और जो आपने टिप सेलेक्ट करके रखी है उस टिप को हमने ग्लू की हेल्प से आधे नेल के ऊपर अप्लाई कर देना। इसे अप्लाई करने के बाद हम टिप क्लिपर की हेल्प से लेंथ को कट कर लेंगे, जितनी हमारे क्लाइंट को लेंथ चाहिए ना उससे हल्की से हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्योंकि शेप में भी थोड़ी सी लेंथ जाती है गाइज। और अब हम एमरी बोर्ड की हेल्प से गाइज करेंगे टिप को ब्लेंड, साइड वॉल नीट करेंगे, साथ साथ शेप भी करेंगे, जो भी हमारे क्लाइंट को शेप चाहिए वो शेप नीट करेंगे। पर आपने एमरी बोर्ड चलाते हुए यहाँ पे गाइज ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और इसको अप्लाई जब हम चला रहे होते हैं तो ध्यान रखने वाली बातें ये होती है कि आपके नेचो नेल पर बहुत ज़्यादा हार्म ना करे, बहुत ज़्यादा ना चल जाए और आपकी टिप कहीं बहुत ज़्यादा से एक तरफ से बफ ना हो जाए, नहीं तो आपको दोबारा से पूरी टिप लगानी पड़ेगी, दोबारा से प्रोडक्ट नया लगाना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट इसमें जो गलत लगती है टिप उसको रिमूव करने में और नई टिप लगाने में बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप जैसे कि आज हम कॉफिन शेप बना रहे हैं, दोनों तरफ से हमने स्लैंटिंग पोजिशन पर एमरी बोर्ड चलाया और हमारी शेप रेडी हो गया। अब हमें एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश कर रही हूँ यहाँ पर। सो पुश करने के बाद जब पूरे के पूरे नेल को अगेन हम ब्लॉब ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर ब्लॉब ऑफर मैं एक ही ब्लॉब ऑफर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो पूरी की पूरी वीडियो में आप जिस स्टेप पे भी हमारा ब्लॉब ऑफ यूज़ होता है मैं एक ही तरीके के ब्लॉब ऑफर को यहाँ पर यूज़ करती हूँ सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर को। यहाँ पर हार्ड ब्लॉब ऑफर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, नहीं तो वो टिप की स्ट्रेंथ और नेचुरल नेल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम कर देता है। मैं डिहाइड्रेटर अप्लाई कर रही हूँ, डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद जैसे कि आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, तो एक्रेलिक प्रोडक्ट एप्लीकेशन करके फर्स्ट बॉल के साथ हम लेवल इक्वल करेंगे हमारी टिप का, क्यूटिकल एरिया को कवर अप करेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसे भी अप्लाई करते हुए कि आपका प्रोडक्ट जो है क्यूटिकल एरिया या साइड वॉल में ना जाए, और अगर जाए तो इस तरीके से इसे उसी टाइम नीट कर लें। और फ्रेंच एरिया पे भी हम बहुत अच्छे से इसमें स्ट्रेंथ देंगे क्योंकि हमने इसमें बफिंग जब करनी है तो हमारा अपेक्स बहुत अच्छा क्रिएट होना चाहिए। तो ड्राई होने के बाद जो है यहाँ पर अब मैं एमरी बोर्ड की हेल्प से बफिंग करूँगी, क्यूटिकल एरिया को नीट करूँगी, साइड वॉल को नीट करूँगी, अपेक्स क्रिएट करूँगी ताकि जितने भी डंट्स एंड बम्स हैं वो क्लीन हो जाए और शेप को एक बार और नीट कर लूँगी। तो बफिंग कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हम एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत जल्दी अभी ही रिफिलिंग दिखने लग जाए। तो यहाँ पर हमने जो है पुशर कितनी बार किया उसका हमारा जो है क्विज़ है। आई एम श्योर कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे
वो इस क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अगर आपको गिफ्ट चाहिए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि हमने टोटल कितनी बार पुश किया इस वीडियो में। तो मैं पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ। ब्लॉब ऑफ करके जितने भी स्क्रैचेस थे, छोटे मोटे डेंट्स बम्स भी थे, मैंने अपने सर्फेस को बिल्कुल के बिल्कुल स्मूद कर लिया है। और अब हम जो है अपना कलर एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट कलर है। ये बहुत अमेजिंग कलर है गाइस। यहाँ पर ये दो कोट में ना बहुत अच्छी कवरेज देता है और देखने में भी ना ऐसा लगता है एकदम जैसे नेचुरल जैसी टोनिंग। तो ये टोनिंग हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कोट जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे बिल्कुल पतली पतली करके सभी नेल्स पर एक साथ, और इसे हम क्योर करा देंगे 90 सेकेंड्स के लिए। फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद अब मैं सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से जैसे पहली कोट हमने लगाई है पतली पतली करके, सेम उसी तरीके से पतली पतली करके ही अप्लाई करनी है सभी नेल्स पर एक साथ, और इसे भी हमने क्योर करा देना है 90 सेकंड्स के लिए। सो गाइस, क्योर कराने के बाद ना यहाँ पर मैंने ग्लास इफेक्ट जेल पॉलिश अप्लाई करी है जो कि जेली कलर होता है, और इसे ब्लेंड कर रही हूँ मैं हमारे स्पॉन्ज की हेल्प से। तो स्पॉन्ज की हेल्प से आप देख सकते हो कितना अच्छा ओम्ब्रे इफेक्ट बनता हुआ आ रहा है, और इसे हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद हम सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे इसी की ही, और इसे भी हम अब पहले हमने ज़्यादा एरिया पे अप्लाई की थी अगर आपने देखा होगा रेड कलर, अब मैंने थोड़े हाफ ऑफ द एरिया पे अप्लाई किया है, और इसे भी हम अपने स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड करके क्योर करा देंगे। ओम्ब्रे नेल हमारा रेडी हो गया। ओम्ब्रे नेल रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर रेनबो इफेक्ट के कैटाई जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ गाइज। एक कोट लगाऊंगी बिल्कुल पतली पतली से करके, आप देख सकते हो मैंने बहुत पतली कोट लगाई है और इसके पार्टिकल्स नज़र आने लग गए हैं रेनबो शाइन में, और मैग्नेट के साथ में मैं इसके पार्टिकल्स को सेट करूँगी ताकि इनका जो इफेक्ट है वो ओम्ब्रे के साथ मुझे और अच्छा नीट मिल सके। तो यहाँ पर मैं 5-in-1 जो है हमारी मैग्नेट यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ये प्रोडक्ट गाइस बाय भी करने होते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम अप्लाई करेंगे, एनहांस करेंगे हमारे कैटाई को ताकि ओम्ब्रे के ऊपर ये स्मजिंग होते हैं वो आ जाए। और इसके ऊपर जो है अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योर कराने के बाद यूवी टॉप कोट। यूवी टॉप कोट लगाने का मतलब ये नहीं हुआ है कि अभी हमारा नेल आर्ट जो है कम्प्लीट हो गया डिज़ाइन। यहाँ पर यूवी टॉप कोट जो मैंने लगाया है इसको मैं क्योर करा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड के लिए। 40 सेकेंड के लिए क्योर कराएंगे गाइज। 40 सेकेंड क्योर कराने के बाद अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ हमारा ग्लास इफेक्ट क्रोम, जो कि इसकी शाइन जो है और ज़्यादा बढ़ा देगा, इसका जो लुक है वो और एनहेंस कर देगा। एंड आप देख सकते हो ये नेल आर्ट कितनी मर्जिंग होती है, कितनी सुंदर लग रही है। और इसके ऊपर लगा देंगे हम यूवी टॉप कोट अगेन, और इसे भी क्योर करा देंगे 90 सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पर अगेन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं पूरे के पूरे नेल को अगेन दोबारा से गाइस ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ। आप सोच रहे हो ना ये क्या है, कितनी बार यूवी टॉप कोट लगती है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन की डिमांड है ना, वहाँ पर हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ना हमारे काम में और हमारे डिज़ाइनिंग में ना फिनिशिंग नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आप बिना ब्लॉब ऑफ के नहीं कर सकते हो डिज़ाइन, कर सकते हो, लेकिन एक जो एनहांस होती है, एक ब्यूटीफुल जो लुक आती है ना फिनिशिंग वाली, वो इन स्टेप्स के साथ ही आती है। तो अच्छे से सारे नेल को मैंने ब्लॉब ऑफ कर लिया है अगेन हमारे सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। एंड गाइज, अब यहाँ पर मैं राइनस्टोन ग्लू का यूज़ करने वाली हूँ। राइनस्टोन ग्लू की हेल्प से ना यहाँ पर इस तरीके से वेव बनाऊंगी मोटी सी पतली हुई आती हुई, और इसको ना साथ साथ ही इस लैम्प के साथ क्योर कराना है ताकि हमारा जो जेल है ना वो बॉडी हीट की वजह से लिफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने इस लैम्प को बाय ज़रूर कर लेना। ये लैम्प वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके बहुत सारे काम जो है ईजी कर देती है। इसको क्योर कराने के साथ साथ ही मैं दूसरे नेल पर भी ये सेम वर्क कर रही हूँ, और आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पर वो वेव आ रही है वहाँ वहाँ पर शाइन दोबारा से वापस आती जा रही है। तो इसे क्योर करा देना है। क्योर कराने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर यूवी टॉप कोट। तो इसकी जो लुक है ना आप देखो कितनी एनहांस होती जा रही है, हमारा ओम्ब्रे भी आ रहा है, साथ में हमारी वेव्स भी आ रही है, साथ में हमारा जो क्रोम का इफेक्ट है ना वो भी कितना अच्छा आ रहा है। और मिडिल में मैंने जो है कुछ राइनस्टोन ग्लू के साथ ही ये एक्सेसरी लगा दी थी, इसे भी हम यूवी टॉप कोट लगा के प्रॉपरली कवर अप कर लेंगे और इसे क्योर कराएंगे फुल एंड फाइनली 90 सेकेंड्स के लिए। तो क्योर कराने के बाद आइए देखते हैं इसकी फुल एंड फाइनल लुक कैसी आई है। तो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर आपको हमारी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो
सच में बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूवर हैं हमारे चैनल में, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आती रहे। तो कैसी लगी हमारी ये नेल आर्ट की वीडियो, जिसमें हमने ओम्ब्रे, कैट आई, ग्लास इफेक्ट क्रोम, साथ में टेक्सचर नेल आर्ट किया है और साथ में कुछ एक्सेसरीज भी अप्लाई कर रही हैं। तो अपने कमेंट जो है हमें ज़रूर बताना, और क्विज़ में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में हम जो है अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर रहे हैं, तो आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रोडक्ट बाय करने के लिए और ट्रेनिंग इंक्वायरी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।